सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। कासगंज में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के नेतृत्व में कांग्रेस जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने वहां जाने की अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रतिनिधिमंडल को कासगंज जाने से रोक दिया है। कासगंज हिंसा के बाद राज बब्बर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मृतक चंदन गुप्ता के परिजनों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहा था। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को चंदन के परिवार से मिलने आ रहे अलीगढ़ बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मवीर सिंह लोधी और उनके साथियों को मिशन चौराहे के पास पुलिस ने रोक दिया था। उन्हें संघ कार्यालय जाना था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। वहीं मंगलवार को ही उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कासगंज हिंसा को एक बड़ी साजिश करार देते हुए उसके पीछे कांग्रेस का हाथ बताया था। साक्षी महाराज ने कहा कि इस दंगे के पीछे पूरी तरह से कांग्रेस है। दरअसल विपक्ष इस बात से परेशान है कि मोदी और योगी सरकार में दंगे क्यों नहीं हो रहे। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।